वेलकम गाइस, अज दे वीडियो विच आपां गल करांगे जो पीयू वल्लों एग्जाम्स दियां इंस्ट्रक्शन जारी कीतियां गईयां ने ऑफिशियल रोल नंबर्स दे नाल। इहदे विच सब तों पहला नोट अपने कोल दित्ता गया है कि जिहड़ी डेट शीट है उहदे अकॉर्डिंग पेपर आएगा। आपां डेट शीट चैक करन लई उहनां ने लिंक दित्ता आपां नूं नोट विच। उस तों बाद अपने कोल आणगियां आ जिहड़ी है वैबसाइट है, वैबसाइट वैसे तां आपां गूगल ते सर्च कर सकदे हां। बाकी उस तों बाद जिहड़ियां वी इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ने जिन्हां बारे बच्चों नूं कन्फ्यूजन है वी की करना की नहीं करना, उह इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इदां ने। सब तो पहला होएगा भी जिहड़े रैगूलर कॉलेज डिपार्टमेंट या रीजनल सेंटर के बच्चे ने, जिहड़े रैगूलर ने मतलब जिन्हां दी असैसमेंट लगती है, उन्होंने उन्होंने कॉलेज वालों ही यह पेपर जिहड़े होणगे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए जाया करनगे। वो वख वख इलैक्ट्रॉनिक मोड यानी कि ईमेल या फिर वट्सएप नंबर या कोई ग्रुप बना के किसी भी तरह बच्चों नूं ये पेपर प्रोवाइड कराएंगे। एंड सैकेंड नंबर पर है जिहड़े प्राइवेट या यूसोल दे स्टूडेंट्स ने, वह अपने क्वेश्चन पेपर जिहड़े हैगे ने वह यूसोल दे अपनी आई डी नूं लॉगिन करके वैबसाइट तो ही डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे बच्चे भी कर सकते हैं पर बच्चों को आम तौर पर अपनी आई डी अवेलेबल नहीं होंगी जिहड़े रैगूलर होंगे ने। एंड थर्ड पॉइंट अपने को उन्होंने इस रोल नंबर आपां नूं दित्ता होया है भी जिहड़े आपां रोल नंबर यूसोल वाले ने डाउनलोड करने ने वो किदा करने ने। अगर 9 बजे का पेपर है तो 20 मिनट पहला पेपर अवेलेबल होएगा, 10 बजे का पेपर है तो सेम 20 मिनट पहला, यानी कि हरेक पेपर तो 20 मिनट पहला वैबसाइट पर वो पेपर अवेलेबल होएगा। आप अपनी डिटेल फिल करके तो आप डेट शीट के अकॉर्डिंग वो पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे इस टेक्निकल इशू आते हैं, इस प्रॉब्लम आती है इंटरनेट की कनैक्टिविटी की, तो PU ने रीजनल सेंटर बनाए हैं, नोडल सेंटर बनाए हैं जिन्हें बच्चे हेल्प मंग सकते हैं। उन्होंने लिस्ट हले तक जारी नहीं की गई पर जल्दी आप रीजनल सेंटर्स बारे जानकारी दी जाएगी। उस तो बाद है फोर्थ नंबर पॉइंट है, फोर्थ नंबर पॉइंट हैगा भी जेड़ा अपना पेपर है वो अटैम्प्ट करना आप सिर्फ ब्लू बॉल पेन में, ब्लू बॉल पॉइंट पेन ओनली, नो पेंसिल नो ब्लैक पेन, ओनली ब्लू बॉल पॉइंट पेन एंड अपनी हैंडराइटिंग में ऑफकोर्स, बाकी तुहाडे ते डिपेंड है। एंड इस गल का ध्यान रखना है कि जी तुहाडी राइटिंग है वो सारे पेपर च इक्को ही होनी चाहिए है। उस तो बाद होना गया अपने को पेपर अटैम्प्ट करने का मीडियम की है, अपने को जो पेपर अटैम्प्ट करना वो आप A4 प्रिंटेबल शीट्स जड़िया होते करना है, वो लाइन वाली हो सकती ने। आम तौर पर मार्केट चो इस तरह दी नहीं शीट्स मिलती, पर यूनिवर्सिटी दी गाइडलाइनस आने बाद हुण मार्केट में लोगों ने प्रिंट करके इस तरह दी शीट्स देनिया स्टार्ट करती हैं। ये शीट्स आप 12 ही वरत सकते हैं, वन साइडेड ओनली, यानी कि टोटल 12 ही पेज होंगे। फस्ट पेज के उत्ते अपने कोल की होएगा, फस्ट पेज के उत्ते अपने कोल उन्होंने कुछ गाइडलाइनस दित्तियां ने भी आप जो 8 चीज़ा होनगियां वो अलग अलग तरह डिटेल्स भरनिया, वो मैं तुहानूं एक सैंपल दिखा दिंदा। सैंपल हैगा आ देखो, सैंपल में फस्ट पेज है जिहड़ा वो उन्होंने कंपलसरी किया कि अपना जिहड़ा रोल नंबर है ना, रोल नंबर का प्रिंट कढ़ा के इंदे उत्ते आपां इहनूं चिपकाना है। तो हमेशा अपनी जिहड़ा पेपर होएगा उनका पहला पेज यही होएगा, उस तो बाद नीचे डिटेल्स होणगियां यूनिवर्सिटी दियां एंड उस तो बाद नीचे शीट दित्ती हुई है उन्होंने बनाई हुई है। शीट के 12 पेजिज ने, 12 तो वध नहीं हो सकते, तो 12 तो घट विच आपां जिन्ने विच मर्जी कर सकते हैं। तो आपां कुल मिला के इसे तरह का यूज़ करना है, फॉरमेट यही रखना है, हमेशा फस्ट पेज के उत्ते रोल नंबर होना जरूरी है। इस तो बाद आप देखते हैं हम अपनी नैक्सट गाइडलाइनस जिहड़ियां हैगियां वो की है। नैक्सट गाइडलाइन जिहड़ी हैगी है उन्दे विच आपां उन्होंने छूट दी, उन्होंने कहा भी आप पेपर में जिन्हें भी क्वेश्चन होणगे उन्हां विचों कोई भी कंपलसरी नहीं होएगा, आप कोई भी क्वेश्चन जिहड़ा हैगा अटैम्प्ट कर सकते हैं। इहदे नाल अपने कोल एक होर गाइडलाइन है पेपर के बारे जिन दे विच बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ ने, वो है कैंडीडेट ने 50% क्वेश्चन पेपर जिहड़ा हैगा वो कोई भी क्वेश्चन चूज़ करके अटैम्प्ट करना है। बट इहदा मतलब ये नहीं भी अपने कोल जे 8 क्वेश्चन ने तो आप 4 क्वेश्चन करांगे तो अपना 50% पेपर हो जाएगा, इदा नहीं है। सगो ये इदा है कि अगर अपना पेपर 50 नंबर का है तो उन्हें आप इस तरह अटैम्प्ट करना है कि अपना 25 नंबर का पेपर अटैम्प्ट हो, आप जिस तरह मर्जी अटैम्प्ट कर सकते हैं जिन्हें मर्जी क्वेश्चन, पर अपना हाफ मार्क्स का जोड़ा होएगा वो पेपर अटैम्प्ट होना जरूरी है। तो एक गल उन्होंने होर दसी है भी अगर अपने को मान लो 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है उनके 2 पार्ट ने, अगर उनका आप 1 पार्ट करते हैं यानी कि वह 2.5 मार्क्स बनेगा, बट आप 2.5 नहीं काउंट होएगा, वो होएगा 2 मार्क्स का काउंट होएगा। इस तरह टोटल अपना अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो वह 25 मार्क्स का जोड़ा टोटल होएगा वो अपना 50% पेपर गिनया जाएगा, ना कि अद्धे क्वेश्चन जोड़े आप अटैम्प्ट किए हो। इसलिए ये आप पेपर आते ही पता लगेगा भी किस तरह अपना पेपर है जिद 50% अटैम्प्ट करना, क्योंकि इस बार पेपर के स्टाइल बारे उन्होंने हले तक कुछ नहीं दसिया, ना ही कोई मॉडल टेस्ट पेपर साइट उत्ते अवेलेबल ने। एंड पेपर अटैम्प्ट करने का टाइम है 2 घंटे।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਆ ਪਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ 8th ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਸਮੈਸਟਰ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੋਡ ਆਫ ਪੇਪਰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿੰਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 9th ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ PDF ਬਣਾਉਣਾ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ID ਹੋਏਗੀ ਈਮੇਲ ID ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਡਾਕ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਸੋਲ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਬਣੀ ਹੈ newugexam@gmail.com 'ਤੇ ਹੀ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 3rd ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਨੇਮ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਪੇਪਰ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ BCOM BCA ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 11th ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਸਟ ਹੈਵ ਪਰਸਨਲ ਈਮੇਲ ID ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਜ ਟੂ ਸੈਂਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲ ID ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਯੂਸਲ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ID ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ PU ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੁਅਲੀ ਇੰਪੇਅਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਈਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਐਟ ਲਾਸਟ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ